अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद तुबा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जो व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मैं बनाने लगी हूँ, जिसका नाम है चिकन नगर्स। जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं अब आपके सामने हैं। सबसे पहले मैंने नमक लिया है हसबे ज़ायका, रेड चिली लिया है पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पाउडर लिया है मैंने 1/1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर मैंने ली है 1 टीस्पून, और ऑरेगानो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, एक मैंने एग ले लिया है, और मैदा मैंने लिया है 1/2 बाउल, ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिए हैं 1 बाउल भर के, और 1/2 kg मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। अब ये जो चिकन है इसका हम कीमा बना लेंगे चॉपर के अंदर डाल के। ये देखें, अब मैंने इसे चॉपर में ऐड कर लिया है। अब मैं इसको बारीक बारीक कीमा बना लूँगी इसका, और उसके बाद मैं इसमें ऑल स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये देखिए, ये इसका मिन्स रेडी हो गया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, सबसे पहले नमक ऐड करूँगी, उसके बाद रेड पेपर, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, ऑरेगानो, और अब इसमें जाएगी वाइट पेपर। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैं ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी, और इसको दोबारा से मैं एक दफ़ा दोबारा चॉप कर लूँगी अच्छी तरह, ताकि ये कंबाइन हो जाए। ये देखें, इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक हो गया है, ये हमारा मिन्स रेडी हो गया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं सोया सॉस ऐड करूँगी, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके नगेट्स बनाना शुरू करूँगी मैं। अब मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं 1 बाउल में, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी, और ऑरेगानो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और नगेट्स बनाना शुरू करेंगे। साइड पे मैंने 1 बाउल में मैदा ले लिया है, और एक अंडा मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह। अब मैंने हाथों को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसको मैं शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जो जैसे आप चाहें। और ये देखें, इसे मैं शेप दे रही हूँ, और अब इसको मैं इस पे मैदे की कोटिंग करूँगी, उसके बाद मैं एग में डिप करूँगी इसे, और ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी इसके ऊपर। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा के इसे मैं प्लेट पर रख दूँगी, और इसी तरीके से सारे अपने जो हैं नगेट्स तैयार कर लूँगी। और अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। ये हमारे नगेट्स जो हैं रेडी हो गए हैं फॉर फ्राइंग। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, मीडियम हमने फ्लेम रखना है पहले, ताकि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, ताकि चिकन जो है अच्छी तरह अंदर से चिकन मिन्स गल जाए। और अब मैं इसे फ्राई करना शुरू कर रही हूँ। आप चाहें तो लाइट गोल्डन ब्राउन भी कर सकते हैं इसको, और चाहें तो थोड़ा सा डार्क कलर भी दे सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, एक तरफ से ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब ये हमारे जो नगेट्स हैं चिकन नगेट्स, ये बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह अंदर से पक गया है।
और ये बहुत मज़े के बने थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।